दोस्तों आज मैं आपको 38 साइज का प्रिंसेस का ब्लाउज काटिंग करके दिखाऊंगी। बैक साइड पे बहुत ज्यादा डीप नेक है, तो किस तरीके से काटिंग करना है, डायरेक्ट फैब्रिक पे काटिंग करना चाहिए या पहले पेपर पे काटिंग करना है, पूरा मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, अगर आपको परफेक्ट प्रिंसेस का ब्लाउज काटिंग करना है उस टाइम पे जरूर आपको पहले पेपर पे काटिंग करना है। बैक साइड आप डायरेक्ट फैब्रिक पे काटिंग कर लीजिएगा, लेकिन फ्रंट पार्ट आपको पहले पेपर पे काटिंग करना है, उसके बाद आपको फैब्रिक पे काटिंग करना है। जब उस तरीके से आप करते हो ना, तब देखिएगा ब्लाउज का फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और जब बहुत ज्यादा डीप नेक होता है उस टाइम पे शोल्डर गिरने का भी दिक्कत होता है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है, जिस तरीके से मैं दिखाऊंगी अगर आप सेम तरीके से करते हो ना, तब देखिएगा आपका ब्लाउज का शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। कितना भी ज्यादा डीप नेक हो, शोल्डर आपका कभी भी नहीं गिरेगा। तो फिर चलिए दोस्तों देख लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सविता। उम्मीद है आप सब तो बहुत 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 अच्छे हो, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फिर चलिए दोस्तों देख लेते हैं परफेक्ट प्रिंसेस का ब्लाउज कैसे काटे करना है। दोस्तों आप लोग बैक पार्ट डायरेक्ट फैब्रिक पे काटिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ब्लाउज का लंबाई मैंने 16 लिया, आप अपने हाइट के हिसाब से यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा है उस टाइम पे आप 17 इंच ले सकते हो। तो उसके बाद देखिए पर शोल्डर लेना है, बहुत ज्यादा डीप नेक है तो जिसके कारण शोल्डर में 5 इंच से 2 ज्यादा लिया। जब बहुत ज्यादा डीप नेक होता है उस टाइम पे आपको इस तरीके से लेना है। आर्महोल देखिए मैंने 6 इंच से यहाँ पे 1 सूत कम लिया, आप अपने हिसाब से आर्महोल ले सकते हो। इसको मैंने सीधा कर लिया, अभी इसको भी मैंने सीधा देखिए 5 इंच से 2 ज्यादा नीचे की तरफ बराबर मिला लिया। अभी छाते का चौथा हिस्सा यहाँ पे लेना है, 10 इंच पे निशाना लगा लो। उसके बाद इसके साथ आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रख देना है। ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हो ना, इसी फैब्रिक से आपको जो सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ पे जो अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पे आर्महोल का गुलाई देना है, तो आर्महोल की गुलाई के लिए देखिए आप यहाँ पे 1.5 इंच पे निशाना लगा लो। अभी देखिए मैंने यहाँ पे आर्महोल का शेप 1.5 इंच पे क्यों दिया, क्योंकि देखिए किसी किसी का क्या होता है, बॉडी के हिसाब से बाजू का मोहरी बहुत ही कम होता है, जिसके कारण मैंने यहाँ पे 1.5 इंच दे दिया। अगर आपकी बॉडी के हिसाब से बाजू का मोहरी परफेक्ट है या ज्यादा है, उस टाइप पे आप 1 इंच लेने के बाद और भी 2 ज्यादा लीजिएगा, तो आपको 1.5 इंच पे देने का जरूरी नहीं होगा। जिन लोगों का हाथ बहुत ही पतला होता है ना, उन लोगों के लिए इसे देना है। तो मैं फ्री साइज में यहाँ पे इस तरीके से दे दिया, आप ऐसे भी ले सकते हो, थोड़ा घटा भी ले सकते हो। अब टोटल जितना अपर चेस्ट है ना, उससे हमें 1.5 इंच कम लेना है कमर के लिए। इस तरीके से लेने से अलग से मेजरमेंट लेने का कोई भी जरूरी नहीं होता है, तो कमर का मेजरमेंट भी यहाँ पे मिल गया है। अभी देखिए नेक का चौड़ाई मैंने 2 इंच से 1 सूत कम लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप नेक है, शोल्डर गिरने का चांस रहेगा, जिसके कारण मैंने यहाँ पे 1 सूत घटा लिया। नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे 12 इंच यहाँ पे हो गया है। यहाँ से मेजरमेंट मैं लेती हूँ, जब बहुत ज्यादा डीप नेक होता है ना, देखिए बिल्कुल यहाँ से हमें 4 इंच रखना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा। यहाँ पे 4 इंच, सिर्फ यहाँ पे 4 इंच रखना है। सिलाई के बाद हमें 3 इंच यहाँ पे रखना है, तब यहाँ से मेजरमेंट लेने का जरूरी नहीं होता है, आप डायरेक्ट यहाँ से मेजरमेंट रख दो। अभी इस सेट पे देखिए 3.5 इंच ले लिया, इसको तिरछा करके मिला लिया। अब यहाँ पे अपने हिसाब से आप कोई भी डिजाइन यहाँ पे दे सकते हो, देखिए यहाँ पे हो गया है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका ऐसा डीप नेक होता है ना, इस साइड पे आपको 1.5 सूत डाउन करना है इस तरीके से। अगर आप इस तरह से डाउन नहीं करते हो ना, उस टाइम पे आपका ब्लाउज का शोल्डर जरूर गिरेगा। सिर्फ ये बात आपको ध्यान में रखना है ब्लाउज कटिंग करते टाइम। अभी यहां से आपको 5.5 इंच पे देना है और ऊपर की तरफ आपको 6.5 इंच उठा लेना है। हो गया है टक्स के लिए, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट है, अभी कट कर लो। अभी स्लीव्स की चौड़ाई के लिए हमें यहाँ से मेजरमेंट लेना है। देखिए लगभग 10.25 इंच यहाँ पे मिल गए, पर 10 नहीं है, 1 सूत को हमें फिर मैं 10.25 रखूंगी। तो जितना मिला है ना, उससे हमें 1 इंच ज्यादा लेना है। डीप नेक पे आपको ऐसे ही लेना है, तो 11 इंच से मैं 1 सूत कम रखूंगी स्लीव्स का चौड़ाई। अब इसमें अलग से हमें ज्वाइन करना है। अभी देखिए स्लीव्स का लंबाई मैं 6 इंच रखूंगी, सिलाई मार्जिन लेके टोटल इसमें 6 इंच।
और चौड़ा देखिए हमें 11 इंच से एक सूत कम चाहिए, तो फैब्रिक यहाँ पे नहीं है तो बाहर की साइड में यहाँ पे निशाना लगा लूंगी इस तरीके से। अब यहाँ से डाउन करना है, 3.5 इंच डाउन कर लो, इसको तिरछा करके इसके साथ मिला दो। देखिए ना यहाँ पे हो गया है, तो इसमें नहीं है तो अलग से हमें शेप देना है। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे निशाना दिया, इसको तिरछा करके ऐसे दे दो। तो यहाँ पे देने का जरूरी नहीं है, अगर आप नीचे पेपर रखते हो उस टाइम पे यहाँ पे निशाना लगा लीजिएगा, नहीं तो देने का जरूरी नहीं है। मैं डायरेक्ट अभी ऐसे काट कर लूंगी, अलग से फैब्रिक ज्वाइन करने के बाद शेप लगा लूंगी। फ्रंट के लिए जरूर आपको शेप देना है। अभी देखिए बैक पार्ट पर जितना शोल्डर था सेम आपको यहाँ पे निशाना लगा लेना है, 5 इंच से 2 फुट ज्यादा। अभी इसको अंदर रखना है, ये जो आर्मोल है ना इसको अंदर की साइड रखना है। फिर नीचे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 1.5 इंच पे निशाना लगा दो, हो गया। अभी दोनों पॉइंट को तिरछा करना है, ये मेरे मेथड है। इसके देने से क्या होता है, शेप बहुत ही अच्छा होता है। अभी इसके हिसाब से हमें निशाना लगा देना है। इसको हटा दो। नीचे में 1 इंच एक्स्ट्रा रख दूंगी पहले से ही। अभी इस साइड पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जितना एक्स्ट्रा इस साइड पे होगा उतना इस साइड पे भी रखना है। पहले हमें फ्रंट नेक डिप लेना है, इसमें मैं 7 इंच रखूंगी। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हो, इस साइड पे 2.5 लेना है। अभी इसमें 2.5 क्यों लिया, देखिए इस साइड पे बहुत ही कम है, 2.5 नहीं लेने से देखने में अच्छा नहीं लगेगा। हो गया है। अभी शोल्डर से बिल्कुल इस साइड से हमें बास्ट पॉइंट लेना है, टोटल सिलाई मार्जिन लेके 10.5 इंच बास्ट पॉइंट रख दो। यहाँ से अपेक्स पॉइंट लेना है। ये जो ब्लाउज है इसका अपर चेस्ट है 38, जब 38 अपर चेस्ट होता है उस टाइम पे फुल बास्ट मिनिमम 40, 41, 42, 43 होता है। हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन नॉर्मली जो मेजरमेंट आते हैं वो 41 से 42 होता है, तो मैं 41 के हिसाब से रखूंगी। जितना मिला का उसको 10 से डिवाइड करो, करने से यहाँ पे देखिए 4.1 इंच आता है। यहाँ पे एपेक्स पॉइंट मतलब जो टक्स के लिए होता है ना, टक्स का पॉइंट, ये पॉइंट अगर बराबर होता है तब फिटिंग सबका बहुत बढ़िया होता है। अभी 4.1 पे यहाँ पे निशाना लगा लेना है, सीधा इसको नीचे की तरफ लेके आना है। अभी यहाँ पर टक्स देना है, टोटल 3.5 इंच टक्स रख दो इस साइज के लिए। तो इसको ऐसे फोल्ड कर दो, दोनों साइड पे इसको डिवाइड कर दो। अभी यहां से हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ उठा लेना है, दोनों साइड पे 1.5, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है। इसमें हल्का सा मिला दो। अभी यहां से और एक मेजरमेंट लेना है, आप 4.5 इंच पे रख दो यहां से, हो गया। इसमें हल्का सा शेप दो, ये शेप देने से इससे पे फिटिंग बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इस भी थोड़ा सा आपको शेप देना है। इससे तो शेप देने से यहाँ पे जो आपका पॉप है ना बहुत ही अच्छा होता है। इसमें पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी इस साइड पे क्या करना है, बिग साइज के लिए आप चाहो तो यहाँ पे एक टक्स दे सकते हो इसके हिसाब से। अगर इस साइड पे टक्स देते हो ना तब यहाँ पे 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है, अगर यहाँ पे टक्स नहीं देना है तब नीचे का एक्स्ट्रा आपको जरूरी नहीं है, तब आप डायरेक्ट सीधा रख सकते हो, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इस साइड पे कोई भी टक्स नहीं रखूंगी, तो ये जो पॉइंट है ना इसके साथ तिरछा करके मिलाना है। यहाँ पे हो गया है, यहाँ से 1.5 इंच छोड़ देना है।
उसके बाद ये टक्स देना है, हो गया है। अभी इसको काट कर लेना है। इसमें हल्का सा आपको शेप देना है, हो गया। बास्ट फोन पे काट ला के रख देना है। दोनों बास्ट फोन पे आपको काट लगाना है। अभी देखिए यहाँ पे आपको सिलाई के लिए इस साइड पे एक्स्ट्रा लेना है, जितना आप सिलाई पे दबाना चाहते हो आप उतना यहाँ पे एक्स्ट्रा रख दीजिएगा। नीचे आपको कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आना है क्योंकि नीचे फैब्रिक नहीं है। और इस सेट पे आपको हुक और आई के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख देना है, 300 या हाफ पीस आप रख दो, जितना आप रखना चाहते हो आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हो। ये आर्मोल साइट है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना है, इसमें भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ये नेक साइड है, इस पे भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। बास्ट पॉइंट पहले बराबर मिला लो, यहाँ पे आपको हुक इसमें आपको सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रख दो सेम, बाकी किसी भी साइड पे आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो काटिंग कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अस्तर देना है उस टाइम पे सेम बराबर मिला के आप अस्तर काटिंग कर लीजिएगा। उम्मीद है कि इस तरह से काटिंग करना है आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट रहता है कमेंट में जरूर लिख देना, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों मैंने आपको जिस तरह से काटिंग दिखाया ना, अगर आप सेम तरीके से करते हो उम्मीद है आपकी ब्लाउज पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिलाई के लिए कॉमेंट बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो के आधार पे आप सिलाई कर सकते हो। पसंद आने पर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलें मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आज के लिए सबको टाटा।